हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे महिलाओं के एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया का होने से क्या दिक्कतें होते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है। तो आइए आज शुरू करते हैं सीरियस शराब के बारे में। तो दोस्तों, मेरा चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो को अंत तक बनाए रखें कि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आइए शुरू करते हैं शरीर शराब के बारे में। आपके शरीर में ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन की कमी है, शरीर में थकान होती है, कमजोरी होता है, तो आप सीरियस शराब यूज़ कर सकते हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, तो आप सीरियस शराब की यूज़ कर सकते हैं। आपके नींद नहीं आ रहा है, नींद कम हो रहा है, तो सीरियस शराब यूज़ कर सकते हैं। आपके रेड ब्लड सेल कम हो गया, रेड ब्लड बने नहीं रहा है, तो आप सीरियस शराब यूज़ करने से रेड ब्लड बढ़ाता है और ब्लड को बढ़ाता है। जिस पेशेंट का ब्लड कमी है तो उसको सीरियस शराब लेने से ब्लड बढ़ाता है और ब्लड से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है। ब्लड ही ऑक्सीजन को जगह जगह पहुंचाता है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होता है। ब्लड अगर शरीर में पूरा हो, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो और आपका फेस का प्रॉब्लम होता है, फेसनेस हो जाता है, ब्लड की कमी होने से फेसनेस हो सकता है, तो आप सीरियस शराब यूज़ कीजिए तो फेसनेस अच्छा हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम एनीमिया के कारण होता है। जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होता है तब एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। तो आइए सीरियस शराब कंटेंट के बारे में बता। कंटेंट है आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो फोलिक एसिड जो है वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर आप नेचुरली ले सकते हैं सब्जियाँ, तो सब्जियाँ से भी आपको वेजिटेबल खाने से भी फोलिक एसिड ज़्यादा मिलता है। अगर वेजिटेबल आपको नहीं मिलता है तो सीरियस शराब यूज़ कर सकते हैं। सीरियस शराब यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई ले तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। डॉक्टर के बिना अनुमति से आप कोई भी दवा सेवन ना करें। तो आइए सीरियस शराब डोजेस के बारे में। सुबह शाम दो बार दिया जाता है, आफ्टर फूड 10 ml करके, और बोतल को शेक करके यूज़ कीजिए। और उसका साइड इफेक्ट नहीं है, ज़्यादातर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसका साइड इफेक्ट हो तो पेट दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है, उसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर इस शराब को लेना है तो मैं कहूँगा ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद उस शराब को सेवन करें। और इस शराब आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा या मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा।
और मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।